सबको छोड़ दीजिए, इन गैबतों में सबसे बड़ी गैबत मेरे नबी की गैबत है। तमाम गैबतों में सबसे बड़ी गैबत मेरे नबी की गैबत है। 40 साल छोड़े हैं, रोज मीसा का ऐलान हुआ, आज पहले आपके सामने पढ़ चुका, वरिदा अल्लाह मीसा का नबी जी ना नबी आने लगे और हर नबी उसकी बशारत देने लगा। हर नबी आदम से लेकर ईसा तक हर नबी बशारत देता रहा, ऐलान भी होता रहा, सामने नहीं था। ये पहली गैबत थी, क्या थी? तमाम आसमानी किताबों के उलमा को इस बात की खबर थी कि आने वाला है एक, जिसके बारे में ईसा ने भी कहा है कि वो आएगा इसको अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। ईसाई भी जानते थे, यहूदी भी जानते थे, इसलिए ईसाई और यहूदियों के उलमा अरब में आके आबाद हुए, क्योंकि वो जगह भी जानते थे जहां उसने आना है। अब उन्हें खबर है कि आना है, उन्हें खबर है किस दौर में आना है, उन्हें खबर है किस इलाके में आना है। वो उस इलाके में आकर रहने लगे, उस दौर में रहने लगे, और जिसकी खबर थी वो आ भी गया, और 40 साल किसी को पता भी ना चला कि आया। उसी माशरे में उन्हीं के दरमियान सादिक भी मान रहे हैं, अमीन भी मान रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं, सारे लवाजमात पूरे हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे कि ये वही है। उनके दरमियान छुपा हुआ तो नहीं है, है उनके दरमियान, लेकिन पहचाना नहीं जा रहा। पहचाना उस दिन गया जिस दिन उसने खुद कहा कि मैं वही हूं। अपने इमाम की गैबत को समझिएगा, आपके इमाम की गैबत ये नहीं है कि इमाम कहीं जाके छुप के बैठे हैं, इमाम किसी पत्ते में बैठे हुए हैं, इमाम किसी जगह छुपे हुए हैं। नहीं, इमाम की गैबत छुपने वाली नहीं है, इमाम की गैबत रसूल वाली गैबत है। वो है हमारे दरमियान, पहचाने नहीं लोगे। मैंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपके सामने कहा था, हुज्जत की तारीफ यही है, अल हुज्जत को माल खाल कर हुज्जत मखलूक के साथ साथ।